मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह हो रहे हैं 5:30 और मैं हमेशा की तरह नहा गया, तो थोड़ी सी पहले कर दूँगी मंदिर की सफाई, क्योंकि जो पूजा करना है मैंने पहले से कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था, डायरेक्ट मंदिर में ही आ गई हूँ नहा वहा के बिल्कुल तैयार होके, और यहाँ पे थोड़ी सी मंदिर की कर दूंगी सफाई। तो मतलब मंदिर में क्या साफ, ऊपर तो मैंने आसन बिछा रखा है, तो थोड़ा सा कपड़े से उसे झाड़ ओढ़ देती हूँ और नीचे पोछा कर देती हूँ और बस मंदिर की क्लीनिंग हो जाती है। ज़्यादा मतलब रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, रोज़ क्या दोनों टाइम सुबह शाम करती हूँ, तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, साफ़ ही रहता है हमेशा। और इधर भगवान जी का बर्तन वगैरह भी है धुलना है जो, और पहले भगवान जी को स्नान भी करवाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब 20 मिनट तक ऐसे ही लग जाते हैं स्नान करवाने में, भगवान जी को, ठाकुर जी को, भोलेनाथ जी को, तो सबका स्नान वगैरह जिसको जिस तरह करवाना रहता है उस तरह करवाते समय लग जाता है, समय तो लगता ही है। और बर्तन भी रहता है भगवान जी लोगों का ही कि मतलब है, इतना बर्तन रहता है धुलना। तो अगर ये जो आजकल बरसात के मौसम में जो हमारे तांबे और पीतल वाले बर्तन होते हैं ना, ये बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो जाते हैं, पीला पड़ जाता है और जो तांबा होता है वो थोड़ा काला काला सा दिखने लगता है। तो उसमें क्या करना होता है, ज़रा सा नींबू जिस साबुन से जैसे भी आप धुलते हो, सरफ से, विम से, तो उसमें थोड़ा सा नींबू ले लीजिए, उसमें निचोड़ दीजिए, नींबू के छिलके से इस तरह रगड़ दीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसे जिस बर्तन में आप धुलते हो ना उसी में आधी नींबू निचोड़ के रख दिया करो साबुन या सरफ में, तो वो बिल्कुल साफ़ रहता है और चमकता रहता है, बिल्कुल साफ़ रहता है और वो सही रहता है। बिल्कुल भी थोड़ा सा बर्तन गंदा सा दिखता है तो नहीं अच्छा लगता है। और तांबा और पीतल का बर्तन धुलना बहुत कठिन काम है, लेकिन हाँ अगर तरीके से धुलोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे पूजा इष्ट हो चुका है बातों बाद में और कर रही हूँ आरती। तो आज मैं आरती करूँगी गणेश जी का, और ये बृहस्पतिवार का वीडियो हो तो गणेश जी का, और करूँगी मैं ये ओम जय जगदीश हरे। और उसके बाद मैं मेरा बहुत फेवरेट जो है मैं रोज़ करती हूँ, मन में बस आगे तेरी मूर्ति, तो ये मैं करूँगी। आज 3 आरती मैं करने वाली हूँ, तो ज़्यादा समय मेरा जाएगा। और फ्रेंड्स, लाइट है नहीं इसलिए मैं काली सी दिख रही हूँ, और जो लाइट नहीं रहता है ना तो ऐसे रहता है। और बनाएंगे केले के पकौड़े नाश्ते में, तो यहाँ पे अब पूजा वगैरह हो गया है तो मैं केले को छील के और इस तरह से छोटे छोटे स्लाइस में काटूँगी चिप्स जैसा। और ये बहुत लंबे लंबे केले हैं ना, और केला उतना बढ़िया भी नहीं है, लेकिन अब फिर भी लाए आ गया है तो इसे तो बना लेंगे, तो थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। तो एक कटोरी ले रहे हैं बेसन और 4 कटोरी ले रहे हैं चावल का आटा। चावल के आटे से ना बहुत ज़्यादा पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं, हमारे घर में तो हमेशा चावल का आटा होता है, मैं पकौड़े वकौड़े बनाती रहती हूँ तो ज़्यादातर रखी रहती हूँ चावल का आटा। अब देखिए मैंने इसे छान दिया है, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल दी 1/4 चम्मच डाल रही हूँ, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, चीनी फ्लेक्स 1/2 चम्मच क्योंकि तीखा चाहिए हमें, अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके डालेंगे, आपके पास अजवाइन पाउडर है वो भी डाल सकते हो, और थोड़ी सी हींग डाला, और इसके बाद नमक। तो नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा डालोगे, और डाल दिया है धनिया की पत्ती। अब थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे हम अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। तो हमारा घोल इधर तैयार हो रहा है, और जब हम थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना तो लम्स नहीं पड़ेगा, वैसे भी जब धनिया पत्ती वगैरह पड़ जाता है तो लम्स पड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और चावल के आटे से खाली बेसन जब हम घोलते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि इसमें गुठलियाँ लम्स जो भी हैं पड़ेंगे, पर ऐसा चावल के आटे उटे डाल दो तो नहीं होते हैं। तो इस तरह मैं डाल के अच्छे से घोल तैयार करती हूँ। तो अब देखिए हमने छान लिया है केले को भी, और इसमें थोड़े से कुछ मसाले डाल दूँगी क्योंकि केला बहुत ड्राई है, पका हुआ है ज़्यादा। नमक डाल दिया, थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, इस तरह से इस पर कोटिंग कर दूँगी, इससे थोड़ा सा अलग स्वाद आ जाता है और केले पे भी नमक का स्वाद हो जाता है, थोड़ा तीखा थोड़ा सा मतलब हो जाता है नमकीन। और डाल रहे हैं बैटर में 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डालें, इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े, और इस तरह से अच्छे से इसे मिला देंगे।
तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कहा कि चलो अच्छा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे भाई, उनको भी अधिकार है ये जानने का कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ये सब शेयर करती हूँ। मतलब इधर मेरा बैटर भी तैयार हो चुका है, अब हम कढ़ाई में तेल मैंने पैन में रख डाल दिया है, गरम भी हो गया, डाल देती हूँ फटाफट पकौड़े। तो फटाफट हो जा रहा है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, क्योंकि हमें कुछ पीसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमारे ड्राई मसाले हमारे होते हैं उन्हीं से हो जाते हैं, और जो पैन रहता है तुरंत गर्म हो जाता है, तो ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सुबह का नाश्ता हो, मतलब सुबह क्या है, बज चुके हैं 9:30 और मैं बहुत सुबह सुबह हम लोगों ने चाय पी लिए थे पर बनाए नहीं थे पकौड़े। मैंने कहा कि सारे लोग उठ जाए तो ही मैं बनाऊंगी, बार बार कौन बनाएगा, तो सारे लोग उठ गए हैं, अब बना रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल ये हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी, थोड़ा सा ये साइड में है ना, पलट पलट के इसे, और पकौड़ों को हम बार बार पलटते नहीं रहे, लेकिन ये थोड़ा सा ना हो गया इसलिए पतले पतले स्लाइस हैं, तो ये जो पतले हम काटते हैं तेल भी इसमें कम ही लगते हैं, बहुत जल्दी से फटाफट हो जाते हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं, जो बचा हुआ हमारा है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो आपने देखा कितने जल्दी ये हो गए हैं पकौड़े हमारे, और इसके बाद चलते हैं कुछ घर का काम काज निपटा देंगे, समय कम पड़ जाता है और काम ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो यहाँ पे ये बन रहे हैं हमारे पकोड़े, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और ये वाले भी हो चुके हैं, तो इसे भी मैंने पलट दिया है, इसे एक ही बार पलट रही हूँ, बार बार नहीं पलटूंगी, और हो गए हैं तो निकाल देंगे, बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो ये लाल हो जाते हैं ना, जो हम मिर्च वगैरह जो डालते हैं तीखी वाली, उससे हो जाते हैं। तो हमारे देखिए सारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। फ्रेंड्स इस तरह बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, अजवाइन का टेस्ट जो होता है ना अलग आता है। अगर पसंद है आपको तो ज़रूर डालिएगा अजवाइन, हींग, इन सब चीज़ों का फ्लेवर अलग ही होता है। तो हमने कर दिया है इधर प्लेटिंग, और देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, और जब प्यारा दिखेगा तो 100% खाने में अच्छा ही होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, और चलते हैं। तो फ्रेंड्स सारे काम हो चुके हैं सुबह का, और जब तक अम्मा पूजा करती है ना तब तक मैं अपना कुछ करती रहती हूँ, तो आप सारे वीडियो पर देख लीजिए मतलब मैंने क्या क्या करा, और इस तरह थोड़ा थोड़ा कुछ करती रहती हूँ। अब चलते हैं, बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, वो मैं करूँगी, उसके बाद दिन में देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बहुत सारे काम रहते हैं कि मतलब दिखता नहीं है बट समय नहीं मिलता है, तो सुबह से इस तरह से ऐसे चलता रहता। और आजकल यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरे दिन लाइट नहीं रहता, तो जो भी करना है सुबह में ही निपटा लेना है 11 बजे तक। तो अभी स्टार्ट करते हैं कपड़ा प्रेस करना, और जब तक अम्मा भी पूजा पाठ करके आ जाती हैं उसके बाद में चाय वगैरह पीते हैं हम लोग साथ साथ, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कपड़ा। और हाँ, आप लोगों ने कमेंट अच्छा है, मतलब ज़्यादा नहीं कहेंगे कि मतलब बिना पंखे का काम चल रहा है, बिना कूलर का, लेकिन हाँ मतलब उन दिनों से तो सही है आज मौसम, और ठंडा है थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुआ है। और सब चलते हैं कपड़े प्रेस कर लेते हैं, वरना लाइट तो जाएगी तो 5 बजे तक नहीं आएगी, 11 से 5 लाइट नहीं रहेगी, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मतलब वैसे नहीं कटौती होती है बट ये काम हो रहा है जगह जगह ही नहीं, लाइट चली जाएगी और बातें चलती रहेगी। तो यहाँ पे कपड़ा प्रेस करना है, क्योंकि 2 दिन से मैंने नहीं करी थी, मैंने पहले भी और करके रख दी हूँ, क्योंकि अब जो पहले सूख गए थे उसको पैक करके रख दी हूँ, और इधर स्टार्ट कर दी हूँ कपड़ा प्रेस। इसके बाद अब खाना वगैरह का भी टाइम हो जाता है, तो खाना वगैरह भी बनेगा। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे कपड़े जो हो जाते हैं ना प्रेस करने के लिए, तो ये भी सरदर्दी हो। तो फ्रेंड्स मेरा ये है ना कि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं प्रेस करवाती हूँ, तो मैं घर में थोड़ा थोड़ा करके ही कर लेती हूँ। तो खाना बनाऊँगी, अब जैसे पकौड़े वगैरह हो गए हैं खा के, तो लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। लौकी हमने काट लिया 500 ग्राम, डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, और थोड़ी सी इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। इस तरह लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच बेसन हमने इसमें ऐड किया है, और सभी को अच्छे से कोटिंग कर देंगे।
कभी कभी इस तरह से बना लीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं। और सब्जियों की मतलब अलग अलग वैरायटी होती है, सब्जी तो एक होते हैं, बनाने का ढंग अनेक होते हैं, तो सब अपना बनाते हैं। तो इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लौकी को, और ये लौकी जैसे मैंने कहा 500 ग्राम है, तो उस हिसाब से मसाले हमने 1/4 चम्मच ही सारे मसाले ऐड किए हैं इसमें। उलट पलट करके इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लौकी हमारा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, कहने का मतलब जब हम पानी डालेंगे ना तो पकाना ना पड़े हमें, ऐसे हो जाए फटाफट एक उबाल में। और ये देखिए हमारी लौकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब गैस कर देंगे बंद, दूसरी वाली कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो ये दूसरी वाली कढ़ाई हमने रख दिया है, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों ऑयल। और थोड़ी सी डाल दिए इसमें ना जीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी हींग, हींग का तड़का हमने लगाया है, 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है, 5-7 कलियां लहसुन के हैं, 3 हरी मिर्च बड़ी वाली हमने काट के ले लिया है तीखा के लिए। ये सब हमने जब सूखी वाली मिर्च पाउडर डाला था बहुत कम डाले, तो 2 टमाटर लेंगे, इसका प्योरी बनाएंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे सब्जी बनते हैं, अपने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 चम्मच डाल रहे हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि जब हम कोई सब्जी बनाते हैं ना तो जब उसमें अदरक लहसुन और प्याज का कच्चापन आ जाता है तो बिल्कुल भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, और किसी भी मायने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसमें डाल दिया है टमाटर प्योरी जो हमने 2 टमाटर का बना के रखा था, ठीक है। अब इसे भी अच्छे से हम भुनेंगे, इसका भी कच्चापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और जब इसमें तेल ज़्यादा रहता तो तेल छोड़ता, बट तेल बहुत हिसाब से है। थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ हल्दी, क्योंकि तरी थोड़ा सा पीला दिखेगा तो अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सिर्फ कलर आता है फ्रेंड्स, तीखा बिल्कुल भी ये नहीं होता है, ठीक है। और इस तरह से भुन दिया हमने मसाले को, अब हम डाल देंगे लौकी जो हमने फ्राई करके रखा है, ठीक है। इसे थोड़ा सा उलट पुलट हम करेंगे, ज़्यादा हमें इस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुके हैं। थोड़ी सी उलट पुलट करके इसमें डाल देंगे पानी, तो पानी एक कटोरी ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हमको लगेगा कि और पानी की ज़रूरत है तो हम और पानी ऐड करेंगे, ठीक है। इससे पहले और पानी हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक। तो आधी कटोरी पानी और डाल दिए हैं इसमें, अब हमारी बिल्कुल अच्छे से सब्जी तैयार है। तो ये देखिए उलट पुलट करके मसाले को मिला देंगे, लौकी के साथ घुल मिल जाए अच्छे से तो अच्छा लगेगा। बस हो गया हमारा यहाँ पे सब्जी। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि मसाले और लौकी एक दूसरे में घुल मिल जाए अच्छे से। सो 2 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हो लौकी कितने बढ़िया से सॉफ्ट दिख रहे हैं, और तरी भी बिल्कुल थिक है। आप इसे रोटी चावल जैसे भी खाना चाहो खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। थोड़ी सी डाल देंगे धनिया की पत्ती, उलट पुलट करके इसे मिला देंगे, और कर देती हूँ प्लेटिंग। प्लेटिंग करके ही कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अच्छा लगता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी हमने लगा देंगे, इसे ऊपर से डाल देंगे धनिया की पत्ती, अब हमारी सब्जी बन के तैयार है। ये सब्जी अगर थोड़ी सी अच्छी लगे फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं